या तो ये जानबूझकर पैसा कमाने की एक साजिश है या फिर वाकई एक धर्म को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। पहले तो बॉलीवुड में ऐसा होता था, बॉलीवुड में आरोप लगते थे, लेकिन साउथ इंडस्ट्री से ऐसी अपेक्षाएं नहीं रखी जाती। या तो जानबूझकर पैसा कमाने की एक साजिश है। इस वक्त देश में जो माहौल है वो राममय है, चारों तरफ जय श्री राम के जयकारों के साथ माहौल गुंजमान नजर आता है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का एक श्लोक बताया गया है, लेकिन श्लोक को बहुत ही चालाकी सिक्के के साथ जो निर्माता है उसने आधा बताया है। भगवान प्रभु श्री राम मांसाहारी, प्रभु श्री राम मांसाहारी थे। एक बड़े पैमाने पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर भी ठेस पहुंच सकती है। भारत एट नाइन में आपका बहुत स्वागत है, मैं हूं आपके साथ काजोल नारायण। नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म रिलीज हुई है, ये फिल्म एक तमिल फिल्म है और साउथ एक्ट्रेस नयनतारा, उन्हें कौन नहीं जानता, काफी ज्यादा उन्हें पसंद किया जाता है। शाहरुख खान के साथ फिल्म में वो नजर भी आ चुकी है, तो नयनतारा का एक अलग ही फैन बेस है। अब आज हम भारत एट नाइन में इस फिल्म को लेकर क्यों बात करेंगे वो आपको आगे पता चलेगा। फिल्म का नाम है अन्नपूर्णी। अन्नपूर्णी से जो सनातन धर्म को मानते हैं उन्हें अंदाजा लग गया होगा कि अन्नपूर्णी का अर्थ क्या है। इसको अन्नपूर्णा माता से जोड़ा जाएगा और सनातन धर्म में अन्नपूर्णा बेटी को भी कहा जाता है, अन्नपूर्णा घर में आई बहू को भी कहा जाता है। जहां वो लक्ष्मी स्वरूपा भी होती है तो वो अन्नपूर्णा भी होती है। लेकिन अन्नपूर्णी में क्या हो जब हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाए, कुछ ऐसा ही हुआ इस तमिल फिल्म में जो कि नयनतारा की फिल्म है। फिल्म का नाम अन्नपूर्णी और कैरेक्टर का नाम भी अन्नपूर्णी है। इस फिल्म में जो कहानी है वो ये कि एक पुजारी की बेटी होती है, उसका नाम अन्नपूर्णी होता है, लेकिन बेटी बनना चाहती है शेफ। अब जब आप शेफ बनना चाहते हैं तो आपको हर चीज टेस्ट भी करनी पड़ती है, हर चीज बनानी भी होती है। अब पहले तो अन्नपूर्णी के हाथ कांपते हैं जब वो इस कॉलेज में एडमिशन ले लेती है, मांस को काटने में, मांस को पकाने में, मांस को खाने में, लेकिन धीरे धीरे करके वो सारी चीजें कर लेती है। अब इस फिल्म को लेकर बवाल क्यों मचा है। फिल्म पहले पर्दे पर रिलीज होती है लेकिन नेटफ्लिक्स पर 29 तारीख को इसे रिलीज किया गया, तब से लेकर बवाल मचा हुआ है। इस वक्त देश में जो माहौल है वो राममय है, चारों तरफ जय श्री राम के जयकारों के साथ माहौल गुंजमान नजर आता है। प्रभु श्री राम को लेकर नेपाल के जनकपुरी से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर बिहार तक, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ राम भक्ति में डूबे लोग नजर आ जाएंगे। लेकिन इसी वक्त नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म रिलीज की गई और इसी वक्त इस फिल्म को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी हो गई। कॉन्ट्रोवर्सी ये क्योंकि इसमें वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का एक श्लोक बताया गया है, लेकिन श्लोक को बहुत ही चालाकी सिक्के के साथ जो निर्माता है उसने आधा बताया है और आधा बताकर ये दर्शाने की कोशिश की है कि भगवान प्रभु श्री राम मांस खाते थे, प्रभु श्री राम मांसाहारी थे। कुछ दिन पहले एनसीपी नेता का भी बयान सामने आया था कि जंगल में राम क्या खाते थे, जंगल में राम मांस खाते थे। क्यों, आखिर क्यों हर बार एक हिंदू को टारगेट क्यों किया जाता है, हर बार एक सनातनी को टारगेट क्यों किया जाता है, क्यों हर फिल्म में हिंदुओं की आस्था का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी की जाती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इस फिल्म में कुछ ऐसा हुआ। आगे फिल्म के बारे में पूरी तरह से विश्लेषण करूंगी, लेकिन फिलहाल जो फैक्ट्स है उन पर नजर डाल लेते हैं। पीके में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया, OMG में भी ऐसा ही दिखाया गया, OMG 2 में भी दिखाया गया, तांडव में भी दिखाया गया, ना जाने ऐसी कितनी फिल्म है जिसमें हिंदू देवी देवताओं का माहौल बनाते हुए देखा गया है। आखिर क्यों ऐसा होता है, मनोरंजन के नाम पर आप कुछ भी परोस देंगे और दुनिया उसे एक्सेप्ट कर लेगी या हिंदू उसे एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं, नहीं किया जाएगा, क्योंकि हर बार हिंदू सैक्रिफाइस नहीं करेगा, हर बार हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा।
हर बार हिंदू देवी देवताओं का मखौल बनाना बंद कर दे ऐसे निर्माता। हालांकि इस फिल्म को नेटफ्लिक्स से चोरी छिपे हटा दिया गया। इस फिल्म से जुड़े स्टार कास्ट ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला है, कोई भी यहां पर चुप्पी साधी हुई है, चुप्पी अभी तक नहीं तोड़ी है, लेकिन फिल्म को चुपके से नेटफ्लिक्स से हटा दिया गया क्योंकि FIR तक दर्ज हो गई थी। एक तरफ तो आप भगवान राम को लेकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, अनर्गल डायलॉग डिलीवरी दे रहे हैं, वो भी फरहान जैसे शख्स को, दूसरी तरफ आप लव जिहाद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कब तक, किस मानसिकता को दिखा रहे हैं आप? क्या जरूरी है ऐसी फिल्मों का निर्माण करना जिससे धार्मिक भावनाएं आहत होती है? क्या जरूरी है ऐसी फिल्मों का निर्माण करना जिससे लव जिहाद साफ साफ नजर आता है? क्यों हमेशा एक लड़की को ब्राह्मण हिंदू दिखाया जाता है या फिर किसी भी हिंदुओं में किसी भी धर्म की दिखाए किसी भी जाति की दिखाया जाता है और लड़का मुसलमान क्यों? और दोनों में ही प्रेम प्रसंग होता है, फिर लड़की इस्लाम कबूल कर लेती है, लड़की नमाज पढ़ना शुरू कर देती है, लड़की इफ्तारी करना शुरू कर देती है, क्यों? क्योंकि इस फिल्म में ऐसा नहीं दिखाया जाता कि अगर लड़का हिंदू है तो लड़की मुसलमान है, क्योंकि अगर ऐसा दिखाएंगे तो फिर बवाल हो जाएगा। क्योंकि हिंदू सब सहता आ रहा है, हिंदू चुप है, तो आप कुछ भी दिखाएंगे। हर बार एक नई कॉन्ट्रोवर्सी, नई फिल्म के साथ अब क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पुजारी की लड़की है जिसके घर में लहसुन प्याज तक नहीं बनता, वो लड़की शेफ बनना चाहती है, कॉलेज में एडमिशन लेती है, मांस काटते हुए उसके हाथ कांपते हैं, तो फरहान कहता है कि नहीं तुम कर सकती हो क्योंकि भगवान राम ने भी ऐसा किया। जब आप फरहान का कैरेक्टर दिखा रहे हो तो उसे कैसे पता कि वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है? और वाल्मीकि की रामायण में वो श्लोक जो आधे तरीके से आपने डायलॉग डिलीवरी के तहत दिया है फरहान को, जब एक गैर हिंदू इस तरह की बातें कर रहा है, जब एक गैर मुस्लिम को नहीं पता कि इस्लाम में किस तरह की क्या चीजें हैं, तो फिर एक मुसलमान को कैसे पता कि वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है? आप आधा श्लोक बता देंगे तो हिंदू को आप क्या बरगला बेवकूफ समझते हैं कि हिंदू को समझ में नहीं आएगा? हिंदू समझ चुका है, आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लव जिहाद को दिखाना बंद कर दीजिए, हिंदुओं पर ये टिप्पणी करना बंद कर दीजिए। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि इतने दिनों बाद क्यों कॉन्ट्रोवर्सी हुई है? अब देखिए नेटफ्लिक्स है और फिल्म को कुछ अच्छा खासा रिस्पॉन्स तो मिला नहीं था, लेकिन नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म जिसकी हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी फिल्में आती हैं, बहुत लोग पसंद भी करते हैं, बहुत की स्टोरीज बहुत अच्छी होती है, बहुत दिल को छू लेने वाली होती है, कुछ क्राइम की होती है, कुछ लव जिहाद से रिलेटेड होती है, कुछ धर्म से रिलेटेड होती है, कुछ लव से रिलेटेड होती है, कुछ रोमांस से रिलेटेड होती है, कोई सेक्स से रिलेटेड होती है। लेकिन सवाल ये है कि इस पर नजर पड़ गई एक शख्स की, उस शख्स ने एक ट्वीट कर दिया, ट्वीट के बाद बवाल खड़ा हो गया, FIR तक दर्ज कर ली गई है, अब माफीनामा भी यहां पर आया है। देखिए बात यह नहीं है कि आप मनोरंजन मत लेकर, आप मनोरंजन लेकर आइए लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो आपका। आपका कॉन्सेप्ट यही है कि आपको हिंदुओं को धार्मिक भावनाओं को आहत करना है, दूसरी तरफ आपको लव जिहाद दिखाना, वो भी तब जब इस वक्त देश में राम मंदिर को लेकर भक्तिमय माहौल बना हुआ है, उस वक्त आप ऐसी, या तो आप ये सोच रहे हैं कि कंट्रोवर्सी भी रहेंगी तो आपकी मूवी को लोग पसंद करेंगे उसको, क्योंकि ऐसा होता है मोस्टली मूवीज कंट्रोवर्सी में जाती हैं तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स उन्हें मिलता है क्योंकि लोग सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या है मूवी में, तो लोग देखते हैं, तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया पर अब बॉयकॉट जैसी चीजें भी ट्रेंड करती हैं और बॉयकॉट का मतलब बॉयकॉट ही होता है। कभी देखिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, इसमें राजनीति को लेकर भी काफी ज्यादा बवाल हुआ है, कभी कोई कुछ भगवान प्रभु राम को कह रहा है, कभी कोई कुछ प्रभु राम को कह रहा है, क्यों? वैसे तो राम सबके हैं लेकिन जब आप बयानबाजी करते हैं तो राम तेरे हैं, राम मेरे हैं, क्यों? आपको किसने अधिकार दिया? और सबसे बड़ा सवाल उठता है सेंसर बोर्ड पे, YouTube जिसका इस्तेमाल पूरे भारत में होता है, फेसबुक
जिसका इस्तेमाल पूरे भारत में होता है। फेसबुक यूट्यूब ये जानता है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें हैं जिससे धार्मिक उन्माद पैदा हो सकता है, जिससे किसी की भावनाएं आहत हो सकती है, जो कि अंडर 18 है जो कंटेंट, वो तुरंत उसको हटा देगा या उसे प्रमोट ही नहीं करेगा। फेसबुक भी ऐसे करता है, लेकिन क्या सेंसर बोर्ड की नजर इस तरफ नहीं जाती है? क्या सेंसर बोर्ड सिर्फ इसलिए है कि अगर किसिंग सीन है तो उसे हटा दो? क्या सेंसर बोर्ड इसलिए क्योंकि सेक्सुअल चीजें ज्यादा है तो उसको हटा दो? क्या सेंसर बोर्ड इसलिए नहीं है कि एक बड़े पैमाने पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर भी ठेस पहुंच सकती है, तो उस कंटेंट पर भी ध्यान देना जरूरी है? क्या सेंसर बोर्ड ऐसा नहीं सोचता? इसमें सबसे बड़ी भूमिका सेंसर बोर्ड की। अगर सेंसर बोर्ड इस तरह से काम करेगा तो ऐसी मूवी ना बनेंगी, ना रिलीज होंगी, ना लोगों तक पहुंचेंगी और ना लोगों की धार्मिक भावनाओं पर कोई फर्क पड़ने वाला है। तो सोचिए, आवाज उठानी बहुत ज्यादा जरूरी है। बस बहुत हो गया, बहुत। मतलब एक लड़की जो उसमें अन्नपूर्णी जिसका कैरेक्टर है, वो नमाज पढ़ रही है, इफ्तारी कर रही है और आखिरकार दिखाई देते कि प्यार एंड ऑल सारी चीजें हो गई। ये क्या इसकी स्टोरी लाइन है? क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? इससे सिर्फ और सिर्फ धार्मिक भावनाएं भड़कती हैं। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आपको किसी लड़की के सपनों के बारे में दिखाना है कि एक लड़की है जो शेफ बनना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, तो स्टोरी लाइन अलग हो सकती थी। फरहान को ऐड करना क्या जरूरी था? और अगर फरहान को ऐड कर भी दिया तो आप बाधे नहीं कर सकते, आप किसी का ब्रेन वॉश नहीं कर सकते कि आप अगर ऐसा करते हैं, क्योंकि वाल्मीकि की रामायण में लिखा है कि भगवान प्रभु राम ने मांस खाया था, मांस पकाया था, तो आप ऐसा कर सकती हैं। इस वक्त प्रभु श्री राम को लेकर अगर आप कमेंट करते हैं उल्टा सीधा, तो आप कॉन्ट्रोवर्सी में फंसते हैं। क्या ये पता नहीं था निर्माता को, निर्देशक को? पता था। या तो ये जानबूझकर पैसा कमाने की एक साजिश है, या फिर वाकई एक धर्म को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। पहले तो बॉलीवुड में ऐसा होता था, बॉलीवुड में आरोप लगते थे, लेकिन साउथ इंडस्ट्री से ऐसी अपेक्षाएं नहीं रखी जाती। साउथ में कहा जाता है कि साउथ में ना जो भगवान को बहुत ज्यादा माना जाता है, इतने सुंदर सुंदर मंदिर वहां पर बने हुए हैं। अगर साउथ में भी ऐसी फिल्में बनने लगेंगी, साउथ को कहा जाता है कि ठीक है, वहां पर मार काट ये सारी चीजें ज्यादा दिखाई देती हैं उन फिल्मों में, लेकिन फिल्मों का कंटेंट भी अच्छा होता है। हिंदू देवी देवताओं पर इतनी साउथ में फिल्में बनी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद की है और नॉर्थ के लोग भी देखना पसंद करते हैं। तो आज आप ये किस कॉन्सेप्ट में चले गए कि आप भी बॉलीवुड की तरह लव जिहाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं? बस करिए, आज का हिंदू जागा हुआ है। आप कितना भी कोशिश कर ले कि आप कुछ भी दिखा देंगे और चल जाएगा, तो अब नहीं चलेगा, अब वो जमाना नहीं है। अच्छी फिल्में बनाएंगे, अच्छे कंटेंट देंगे लोगों को, तो फिल्म पसंद की जाएगी, चाहे वो OTT पे आप रिलीज करें, चाहे बड़े पर्दे पर रिलीज करें। मनोरंजन के लिए फिल्में बनती है, मनोरंजन के लिए होनी चाहिए। किसी की धार्मिक भावनाओं को या किसी भी इमोशनली वो किसी को भी हर्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा इसमें हुआ, इसमें ऐसा हुआ है। अभी फिल्म आई थी 12वीं फिल्म, ऐसी फिल्में बनाइए ना, कोई रोक थोड़ा ना रहा है आपको, जिससे कुछ सीखने के लिए मिलता है। और नयनतारा एक्ट्रेस, नयनतारा से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस कैरेक्टर को वो निभाएंगी। एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। नेटफ्लिक्स से इस फिल्म को अभी हटा दिया गया है, खास प्रतिक्रियाएं भी नहीं मिली है, कॉन्ट्रोवर्सी ज्यादा है, क्योंकि जैसा कि मैं लगातार बता रही हूँ आपको, विवाद बढ़ा तो फिल्म को डिलीट कर दिया गया। सोशल मीडिया पर लगातार नेटफ्लिक्स को बैन करने की मांग की जा रही है। अब नेटफ्लिक्स बैन हो जाए, इससे बेटर है कि फिल्म को ही डिलीट कर दिया जाए, कुछ ऐसा ही नेटफ्लिक्स ने फैसला लिया। नेटफ्लिक्स ने फौरन इस पर एक्शन ले लिया, हिंदू की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नयनतारा की फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म से हटा दिया। मुंबई जबलपुर में फिल्म के खिलाफ FIR दर्ज हो गई। जबलपुर में फिल्म की पूरी स्टार कास्ट, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर के खिलाफ हिंदुवादी संगठन ने FIR दर्ज कराई। जी स्टूडियोज ने फिल्म अन्नपूर्णी के जरिए हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोगी संगठन विश्व हिंदू परिषद से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। अब आप माफी मांग रहे हैं, पहले आप कंटेंट दिखा दीजिए, फिर माफी मांग लीजिए।
तो आप समझिए इस फिल्म की पूरी कहानी, मुस्लिम से प्यार करना, रमजान इफ्तार करना, और ये भी कहना कि देश में इस वक्त हर कोई भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की प्रत्याशा में खुशी मना रहा है। इस बीच इस तरह की हिंदू विरोधी फिल्म अन्नपूर्णी रिलीज कर दी गई, तो कॉन्सेप्ट आपका समझ में आता है। हालांकि अब तक निर्माताओं और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने शिकायत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उम्मीद है कि ऐसी फिल्में आगे ना बने। हम ये नहीं कह रहे कि आप मनोरंजन मत करिए, सिनेमा है ही मनोरंजन के लिए, मनोरंजन करिए, स्टोरीज अच्छी लेकर आइए, आइडियाज अच्छी लेकर आइए, फिल्में बिल्कुल बनाइए, लेकिन ऐसी जिससे कि किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचे। 550 साल बाद प्रभु श्री राम की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खुशी के आंसू हर एक भक्त में नजर आते हैं। खुशी के आंसू है जिन्होंने अपनी जान तक गवा दी प्रभु श्री राम के लिए, कि प्रभु श्री राम को वो जगह मिलनी चाहिए जहां पर उनका जन्म हुआ था त्रेता युग में। आज कलयुग में वो होने जा रहा है, तारीख नजदीक है जब हम आपके ईद में आपके गले मिलते हैं, तो क्या आप हमारे साथ दिवाली नहीं मना सकते? क्या आप प्रभु श्री राम के लिए खुश नहीं हो सकते? हम तो नहीं कह रहे कि आप नारे लगाइए, आप कुछ मत करिए, आप बस खुश रहिए, और जो हम पूजा करना चाहते हैं अपने आराध्य की, वो पूजा हमें संतुष्टि के साथ करने दीजिए। और ऐसी फिल्मों को पूरी तरह से बैन होना चाहिए। ऐसी फिल्में टारगेट करती हैं, तो टारगेट होने के लिए बहुसंख्यक नहीं है, क्योंकि बहुसंख्यक अब जाग चुका है। अब वो दौर था, ये दौर नया है। नए दौर में हम अपने धर्म के खिलाफ आवाज उठाना भी जानते हैं, धर्म के खिलाफ लड़ना भी जानते हैं, लेकिन फिर से वही रिक्वेस्ट है कि आपसी सौहार्द नहीं बिगड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसी फिल्मों से आपसी सौहार्द भी बिगड़ता है। आपसी सौहार्द रहेगा क्योंकि हिंदुस्तान है, हर धर्म की वही वैल्यू है जो वैल्यू सनातन की है। हर धर्म को माना जाता है, हर जाति को माना जाता है, और मिलजुल कर यहाँ पर हर एक व्यक्ति रहता है, क्योंकि इंसानियत सर्वोपरि है। तो ऐसा ही माहौल रहने दीजिए, और उम्मीद है कि आगे से ऐसी फिल्में नहीं बनेंगी, क्योंकि अगर माफ़ी मांगी गई है तो नहीं बनेगी, और अगर बनती है तो ऐसे ही बॉयकॉट होती रहेंगी। बॉलीवुड का क्या हाल हुआ था ये बॉलीवुड बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, और बॉलीवुड बदला है, कंटेंट बदला है। 2 साल तक बॉलीवुड की एक भी फिल्म ने कमाई नहीं की थी, तो टॉलीवुड का भी ऐसा ही हाल हो सकता है। अगर टॉलीवुड को लोग पसंद कर रहे हैं तो आप थोड़ी सी मर्यादा अगर रखेंगे, धार्मिक भावनाओं की थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे, तो उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा, और क्या आप भी यही कहते हैं कि धार्मिक उन्माद नहीं होना चाहिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। भारत एट 9 में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे।